इस वाले वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नई लेबर कार्ड की साइट के बारे में। दोस्तों दिल्ली की जो लेबर कार्ड की साइट है वो 8 डिस्ट्रिक्ट से अलग हो चुकी है और बिल्कुल ही नई है और बिल्कुल अलग तरीके के है, तो उसका आज रिव्यू लेने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों क्रोम ब्राउज़र पे आपको सर्च करना है दिल्ली कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड। जैसे ही आप सर्च मारोगे दोस्तों दो नंबर पे साइट आएगी ये वाली, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार का पॉपअप आएगा और ये सारी जानकारियां देगा कि जो है कैसे आप जो भी है चीज़ें कर सकते हो। इसको आप आराम से पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन है ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से न्यू वेबसाइट पे आने से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करनी है और क्या क्या चीज़ें बदल गई। दोस्तों आप कहोगे कि आपको दोबारा से जो है ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी बनानी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपका जो लेबर कार्ड नंबर होता है 14 डिजिट का, उसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल आपका वहाँ से माइग्रेशन होके इस नई साइट पे आ जाएगी। उसको कैसे करना है, ये माइग्रेशन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जो है वो जो 14 अंक का जब जो आपका लेबर कार्ड इशू हुआ है इससे पहले वाला सर्टिफिकेट, वहाँ पे नंबर डालेंगे और यहाँ पे जैसे ही चेक का क्लिक करोगे ये कुछ जो है बफरिंग करेगा, उसके बाद जो है आपका जो सारी डिटेल नए वाले साइट पे कर देगा। और उसके बाद दोस्तों फिर जब नए वाले साइट पे हो जाएगा तो उसके बाद जो है अपना जो है नए तरीके से लेबर कार्ड रिन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों कई लोग कहेंगे कि मेरा पुराना कोई लेबर कार्ड नहीं है, तो उस केस में दोस्तों हम कैसे लेबर कार्ड रिन्यू करेंगे, तो उस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पंजीकरण पे जाके पंजीकरण करना है। अब यहाँ पे ये देखो ये भी लिख रहा है अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट पे हैं तो दोबारा ना करें, कुछ चीज़ों का लाभ नहीं मिलेगा। अगर नहीं है तो फिर भी आप दोस्तों कर सकते हैं ये नए तरीके से रजिस्ट्रेशन। अभी कुछ सर्वर की दिक्कतें चल रही है, अभी इस पर काफ़ी सारा काम हो रहा है और इसका मोबाइल ऐप भी आ चुका है, ये देख रहे हैं मोबाइल ऐप डाउनलोड होने लगा, यानी इसका पहले तो कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं था, अब आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो लाभ लेना चाहे रिन्यू करना चाहे यहाँ से सदस्यता रिन्यू कर देंगे, जब माइग्रेशन हो जाएगा तो यहाँ से रिन्यू भी कर सकते हैं। अभी साइट थोड़ा जो है काम नहीं कर रहा है काफ़ी सारी चीज़ें, और ये देख सकते हैं कोई भी अभी टैब ओपन करो तो यहाँ पे HP एरर आ रहा है। तो अभी जो है ये सारी चीज़ें सही से काम नहीं कर रही है। बाकी ये आपका नई साइट है तो दोस्तों आप बताओ मुझे आपको नई साइट कैसी लगी। और यहाँ पे दोस्तों एक ऐसा कुछ रोबोट वगैरह चैट बोट भी है तो काफ़ी अच्छा है। अगर दोस्तों और विस्तार में जानना है कि आपको लेबर कार्ड कैसे रिन्यू करना है तो उसको नीचे कमेंट कीजिए, और मैं आशा करता हूँ ये साइट आपको अच्छी लगी होगी। अगर साइट अच्छी लगी और मैंने जैसा आपको जानकारी दी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।